हाय, मैं निशा। पहचाना? नहीं, मैं भी आपको नहीं जानती। मैं ना कॉलेज जा रही थी, पर फिर सोचा आपसे मिल लूं, बात कर लूं। कुछ बात है जो बतानी शायद ज़रूरी है। हाँ, बात थोड़ी पुरानी है, पर लगा शायद बतानी ज़रूरी है। बात है तब की जब मैं 10th के बोर्ड्स की तैयारी चल रही थी हमारी, और 11th में जाने की भी तैयारी हो रही थी। हर कोई डरा हुआ था, परेशान था, क्योंकि बोर्ड्स जो आने वाले थे। तो फॉर्म भी मिल रहे थे 11th के। फॉर्म सबमिट करने का एक हफ्ता बचा था, लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करना, और मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। टीचर्स ने बोला फॉर्म का कल लास्ट डेट है, सबमिट करना ज़रूरी है। घर आई, 2 घंटे तक खूब रोई। घर वालों के लाख पूछने पर भी कुछ नहीं बताया मैंने। बाद में जब पापा ने मुझसे पूछा तो धीरे धीरे बताना शुरू किया कि किस तरह से हम सब अलग होने वाले हैं। कोई दूसरे स्कूल जा रहा है तो किसी का शहर ही बदलने वाला है, कोई दूसरे स्ट्रीम में जा रहा है, और मैं तो सबसे अलग हो जाऊंगी ना। एक वो लड़की जिसके बिना कुछ कहे ही उसके सारे फ्रेंड्स उसकी सारी बातें समझ जाया करते थे, कैसे रहेगी वो उनके बिना, कैसे? तो पापा ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बताया कि ज़िंदगी जो है ना, वो एक सफ़र है। हाँ, वो ट्रेन वाला सफ़र। कैसे ट्रेन में हम आते हैं, जाते हैं, अपने अपने डेस्टिनेशन पर जब हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप उस ट्रेन से उतर जाते हैं ना। हाँ, उस बीच में, उस ट्रेन के सफ़र में, उस बीच में ना जाने कितने हमारे, हम जिनके साथ बर्थ शेयर करते हैं, हमारे सामने वाले, उनसे दोस्ती तो होती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अपने अपने डेस्टिनेशन पर सब उतर तो जाते हैं ना। तो ज़िंदगी भी तो वैसे ही है। वो दोस्त हैं तुम्हारे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे उनके खुद की अपनी एक अलग दुनिया है और उन्होंने अपने लिए एक अलग डेस्टिनेशन तैयार कर रखा है, वैसे तुमने भी तो रखा है ना तैयार। तो अगर तुम उन्हें नहीं रोक सकती तो वो भी तुम्हें नहीं रोक सकते। तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हर कोई मिल जाता है। जो तुम्हारे अपने हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएंगे, पर जो दूर जाने के लिए बने हैं उन्हें तुम जितना भी अपने पास रखो वो कभी साथ नहीं रहते। तो ज़िंदगी एक सफ़र है, और एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र को हर कोई जीता है, तभी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हम। चलते हैं तब ट्रेन की सफ़र में। अच्छा, मैं जा रही थी कॉलेज अपना TC लेने। अच्छा, ये बात बताई कि नहीं मैंने आपको कि मैंने कॉमर्स ही लिया था, अपने फ्रेंड्स के साथ साइंस नहीं लिया था, और आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ अपनी डिग्री लेने। बाय।